नमस्कार जी, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं जौ की राबड़ी बनाने जा रही हूँ। जो एक इसको हम जौ भी बोलते हैं, और ये देखो घाट भी और इसको घाट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको जौ बोलते हैं। तो मैं जौ की आज आपको राबड़ी बना के दिखाती हूँ। और ये गर्मियों में बहुत ही मतलब ठंडी रहती, गर्मियों में ही बनाई जाती है। जब बारिश का मौसम हो जाता तो इसे नहीं बनाते। और उसके लिए मैंने ये एक कटोरी मतलब जौ का जो मोटा मोटा होता है, इसको मतलब पूरे भूस के बुरादे को उतारा जाता है। उसके बाद इसका दलिया सा, जैसे हम दलिया आता है ना वैसे दला जाता है, इस साइज का होता है। जैसे दलिया, जैसे बाजरे का एक दाना होता है उसी तरह का होता है ये देखो। और ये मैंने एक कटोरी ये लिया है, और एक कटोरी थोड़ा सा मैंने ये 3 चम्मच मैंने बेसन के लिए है, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा बन जाएगा। और मैंने ये 1 गिलास लस्सी लिया है। तो हम इसको दिन में सुबह के टाइम, अगर आपको रात में बनाना है तो सुबह के टाइम मतलब भिगो दो, अगर आपको सुबह बनाना है तो रात के टाइम इसको भिगो के रखना होता है कुछ देर के, ताकि ये खट्टा मतलब भीग जाए अच्छे से। और जब आप बनाओगे तो बहुत जल्दी ये बन जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसको भिगो के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ये जो कि मैंने वो लिया है इसको डाल देते हैं, और अब मैं इसमें ये जो बेसन लिया है मैंने उसको भी डाल देते हैं। और ये मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके लस्सी को मिलाते हुए मिला दूंगी। और मैं अब मैं ये मिला के रख देती हूँ, और फिर मैं आपको शाम को इसको पका के दिखाऊंगी। जब इसको तैयार करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे तैयार होती है। और मैं अब एक मेरे पास मटकी रखी हुई थी, मैं इसको खुली खुली उस मटकी में बनाऊंगी। अगर आप बड़े से बर्तन में इसको खुले बर्तन में बनाते हो, क्योंकि ये राबड़ी है तो ये उबलती ज़्यादा है, लस्सी है इसके अंदर बेसन है, तो जैसे कढ़ी उबलती है ना वैसे उबलती है ये ज़्यादा। तो फिर अगर हमारे पास छोटा बर्तन होगा तो वो बाहर निकलने का डर रहेगा, अगर हमारे पास बड़ा बर्तन तो आराम से है ना खदर खदर मतलब अच्छे से पकती रहेगी धीरे धीरे, आपको ज़्यादा मतलब निकलने का डर नहीं रहेगा इसमें कुछ भी। और ये गर्मी में बहुत ही अच्छी होती है, जो बहुत ठंडा होता है। वैसे भी शुगर वालों के लिए, खासकर शुगर वालों के लिए बेसन भी और जो जो इंसुलिन बनाता है जो मतलब, तो बहुत ही अच्छा है अगर शुगर पेशेंट इसको बना के खाएंगे तो। मैं थोड़ी सी लस्सी और डाल देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, देखो मैंने जो इसका जो भिगो के रखना है वो मिश्रण सारा तैयार कर लिया है। और ये बहुत ही जैसे मोटा मोटा दाना फूल जाता है, और खाने में जैसे आप दलिया खाते हैं ना वैसे ही है मतलब, मान ले बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसको थोड़ी जब शाम तक मैं इसको रख देती हूँ, और मैं आपको फिर शाम को बनाते टाइम फिर दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार होता है। राबड़ी के लिए जो भिगोया था दिन में सुबह में, तो अब ये इस तरह का देखो बैटर हो गया, देखो फूल के जो पूरा दिन मैंने इसको रखा था, तो ये ऐसा हो गया था। तो ये हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं गैस को ऑन करती हूँ। और मेरे पास ये मटकी है तो मैं इसको रखती हूँ मिट्टी की, मेरे थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी तो है ये, लेकिन घर पे थी इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ अब। तो ये मैंने 1 लोटा पानी का लिया है जो मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं 2 लोटे पानी के डाल देती हूँ ताकि इसमें आराम से ये खुल ले पक जाए। जितनी ज़्यादा मतलब बनेगी
पकेगी, उबलेगी, उतनी ज़्यादा अच्छे से खाने में टेस्टी बनेगी। और अब मैं इसमें इसको डाल देती हूँ। और इस टाइम जब हम इसको डाल के जब गैस पर रखते हैं तो हम इसको अच्छे से मतलब हिलाते रहें। इसको हमने हिलाना बंद नहीं करना, नहीं तो जो लस्सी होती है वो फट जाती है। जब इसमें उबाल आ जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद हम आराम से इसको छोड़ सकते हैं। गैस को कम कर देंगे और इसको उबलने देंगे। और हम ये नमक डाल देते हैं इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता, सिर्फ लस्सी होती है और ये जौ का जो घाट होती है वो होती है, और थोड़ा सा बेसन डाल सकते हो और बस नमक। बाकी तो इसके जैसे पकने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको कितना पकाते हो। जितना अच्छे से आप इसको पकाओगे उतना ही फिर टेस्ट आएगा इसमें।
और जो हम जैसे कुकर में पतीले में उसमें पकाते हैं, और हम ऐसे किसी मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं, तो उसका टेस्ट और अलग होता है और टेस्टी लगती है फिर।
देखो ये उबलने लगी है, जैसे घुटनी जाती है। देखो ये देखो पहले से, ये देखो तो अभी उबलने लगी है। तो मैं एक उबाल आ गया इसके अंदर, तो ये मैं इसको धीरे धीरे मतलब गैस को ना कम कर देती हूँ और धीरे धीरे पकने देती हूँ। तो फिर मैं आपको जब पक जाएगी अच्छे से फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब बीच में एक बार और दिखाऊंगी मैं आपको। तो मैं अब इसको कम करके और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक एक उबाल नहीं आता इतना आप इसको हिलाते रहिए, उसके बाद आराम से छोड़ देना। बीच में वैसे हिला देना कहीं, जैसे बेसन होता है तो वो नीचे न लग जाए। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ एक बार। तो ईम मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी राबड़ी कैसी बनी। देखिए आराम से बनी है, धीरे 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 पकाई है तो बहुत ही अच्छी पकती है अभी। और देखो ये देखो ये जो जैसे दाना होता है ऐसे फूल जाता है, ये देखिए। और इस तरह की लिक्विड होती है, मतलब ज़्यादा इसको हम टाइट नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे जब वो होएगी तो हल्की सी वो टाइट हो जाएगी, मतलब गाढ़ी फिर हो जाएगी। तो आप मेरे को ऐसी चाहिए। तो इब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये मेरी मटकी है, देखो तो ये मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसको। तो ये मैंने ठंडा दूध लिया है, मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। और ईब हमने जो ये राबड़ी ली है इसको इसमें डाल देते हैं। तो ये थोड़ी अभी गर्म है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। अगर आप रात के टाइम खाते हो तो इसको दूध में मिला के खाना, आपको ठंडे दूध के साथ खाना। अगर आप सुबह खाते हो तो दही को फेंट के लस्सी बना के और उसके साथ ऐसे मिला के फिर खा सकते हैं। और आप देख सकते हो अब हमारी ये राबड़ी तैयार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।